Hello everyone. So today I am going to discuss about the advantage of NC concurrence techniques. Previous lectures में जो हमने पढ़ा है तो NC control techniques के बारे में जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे उसके एडवांटेज क्या हैं, एप्लीकेशन है एंड न्यूमेरिकल कंट्रोल्स उसके एप्लीकेशन क्या है और एफिशिएंसी ऑफ इंप्लीमेंटेशन क्या है। तो आज के जो टॉपिक है वो है एडवांटेज ऑफ एफिशिएंसी। एडवांटेजेस में क्या क्या होता है, क्या क्या एडवांटेज है ये हमें देखना है कि उसके क्या क्या एडवांटेज होते हैं। ठीक है, एनसी मशीन के एडवांटेज में एनसी मशीन जो एडवांटेज हैं, देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ एडवांटेज, वेरियस वो आ जाता है आपका स्मॉल एडवांटेजेस। स्मॉल बैच का मतलब ये है, स्मॉल बैच में हम ये पढ़ते हैं। स्मॉल बैच में क्या होता है कि बेसिकली हम ये देखते हैं कि इसमें सिंगल पार्ट्स और लिमिटेड प्रोडक्शन की हम जो रिक्वायरमेंट होती है। बेसिकली जो हमारा स्मॉल बैचेज होता है उसमें हम क्या करते हैं कि सिंगल पार्ट्स और लिमिटेड सिंगल पार्ट्स या फिर जो है आप ये समझिए कि जो है किसी लिमिटेड प्रोडक्शन करना है। जो सिमिलर प्रोडक्ट प्रोडक्शन करते हैं, सिमिलर लिमिटेड और सिमिलर प्रोडक्ट बैच प्रोडक्ट करना प्रोडक्शन करना रहता है और स्मॉल बैच में होता है जिसका कॉस्ट जो होता है मिनिमम कॉस्ट होता है। इसके अंदर भी आपको मिनिमम कॉस्ट का होता है, सिंगल पार्ट्स होते हैं और आपको जो है साथ ही साथ क्या होता है लिमिटेड प्रोडक्शन करते हैं। आपको इसके अंदर में यूज करते हैं। दूसरा आ जाता है इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज करने का मतलब ये है कि हम फ्लेक्सिबिलिटी मतलब होता है इंक्रीज लिविंग इंजीनियरिंग चेंजेस इन प्रोडक्शन ऑफ पार्ट्स आर लेस कॉस्टली। बेसिकली जो इसमें आता है इंजीनियरिंग जो चेंजेस होते हैं प्रोडक्शन पार्ट्स में, जो उसमें प्रोडक्शन पार्ट्स इन्वॉल्व होंगे, प्रोडक्शन पार्ट्स जो होंगे वो लेस कॉस्टली होंगे, मतलब वो महंगे तो होंगे लेकिन कम महंगे होंगे, लेस कॉस्टली महंगे होंगे लेकिन लेस कॉस्टली होंगे। ऐसा नहीं कि बहुत सस्ते होंगे, महंगे होंगे लेकिन लेस कॉस्टली होंगे। एंड मोर रैपिड चेंजेस विद एनसी क्विकली प्राइज बाई चेंजिंग अ टेम्परेचर इन द मशीन। थर्ड जो आ जाएगा वो आ जाएगा प्रोडक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स पार्ट्स। प्रोडक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स पार्ट हमेशा हम लोगों ने डिस्कस किया है कि हम जो सीएनसी मशीन जो हम यूज करते हैं बेसिकली हम इसीलिए यूज करते हैं ताकि हम कॉम्प्लेक्स पार्ट का प्रोडक्शन कर सकें, कॉम्प्लेक्स पार्ट का ज्योमेट्री जो मॉडल बना सकें और उसका हम प्रोडक्शन कर सकें। बेसिकली हमें यही देखना है कि इसमें जो हमारा तीसरा एडवांटेज है, बड़ी एडवांटेज है कि हम कॉम्प्लेक्स किसी भी प्रोडक्शन करेंगे तो कॉम्प्लेक्स पार्ट का भी प्रोडक्शन कर सकते हैं। ये चीज़ है इसमें।
ठीक है, तो प्रोडक्शन करेंगे, प्रोडक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स पार्ट का प्रोडक्शन कर सकते हैं। आगे जब पढ़ेंगे तो रिड्यूस द सेटअप टाइम, प्रोडक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स पार्ट का मतलब ये होता है सपोज हमें कोई ऐसा पार्ट्स ऐसे 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 पार्ट्स का हमें प्रोडक्शन करना है जिसका कॉम्प्लेक्स मैनुअली हमको उसका प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करना डिफिकल्ट है, हमारे लिए कठिन है कि हम उसको प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करना है। तो उसमें उस केस में क्या करेंगे, हम यूज करेंगे इसका एनसी टेक्निक्स। एनसी टेक्निक्स का यूज करके हम जो कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं उस वीडियो में करेंगे, हम उसकी मैन्युफैक्चरिंग कर लेंगे जितनी भी कॉम्प्लेक्स चीज़ें रहेंगी। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा अगर हमको कुछ भी कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री का प्रोडक्शन करना है तो उस केस में क्या है कि हम इस मेथड का यूज कर सकते हैं। अगला क्या है, अगला जो हमारा कंपन को जो है रिड्यूस द सेटअप टाइम। अगला है दैट इज द पॉइंट नंबर 4, देखते हैं तो उसमें क्या है कि हमको मशीन को स्टार्ट करने के लिए जो सेटअप करना पड़ता है, मशीन को सेट करना पड़ता है। जब हम सेटअप करते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमको टाइम कंज्यूम ज़्यादा होता है, टाइम ज़्यादा लगता है। तो अभी एक बार क्या है कि हमारा कंप्यूटर सिस्टम मिल जाए, कंप्यूटर सिस्टम में और सिस्टम से अटैच हमारे सारे मशीन, तो हम सिस्टम पर ही वर्क कर रहे हैं, सिस्टम पर अपने प्रोग्रामिंग करी वहाँ पर रन करा दी, सारे मशीन अपने आप ऑटोमेटिकली रन करना है। स्टॉप करना है, एक कोडिंग डालना है, हम स्टॉप जैसे हमें कोडिंग करा रहे हैं सारे मशीन, ठीक है। तो कहीं भी हमको जो सेटअप टाइमिंग था उनका यूज होता है, एक बहुत अच्छा बेनिफिट है। मशीन यूटिलाइजेशन, एडवांटेजेस नोट कर लीजिए, मशीनिंग एक्यूरेसी, वो हमारी बहुत अच्छी हो जाती है क्योंकि कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस होता है और हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इसमें इन्वॉल्व रहता है जो हमें अचीव होता है। मतलब अगर हमारा लेजर स्क्रैप स्क्रैप निकल के आता है, जो स्क्रैप्स होते हैं जो हमारे चिप्स निकल के आते हैं वो कम हो जाते हैं।
प्रोसेसर स्क्रैप हो जाएगा, स्क्रैप रिड्यूस इंस्ट्रक्शन इंस्पेक्शन करते हैं, इंस्पेक्शन हम लोग करते हैं लेकिन कम करते हैं, रिड्यूस रहते हैं, ठीक है। इंस्पेक्शन करते हैं ऐसा नहीं इंस्पेक्शन नहीं करेंगे, इंस्पेक्शन करेंगे लेकिन कम करते हैं। लॉन्गर टूल लाइन लॉन्गर हो जाती है, जो जिससे क्या होता है लॉन्ग टू है, क्या होता है टूल स्टोरेज की बात हो जाती है, फिर लोअर लोअर लेवल कॉस्ट फिर आपका आता है कॉस्ट ऑफ मॉडिफिकेशन, कॉस्ट ऑफ मॉडिफिकेशन, कॉस्ट ऑफ मॉडिफिकेशन के बाद कॉस्ट ऑफ मॉडिफिकेशन आ जाता है, कॉस्ट ऑफ मॉडिफिकेशन के बाद रिड्यूस्ड फ्लोट रिड्यूस हो जाएगा, फिर हो जाएगा लेजर ह्यूमन एरर, लेजर ह्यूमन एरर, लेजर ह्यूमन एरर आ जाएगा, लेजर ह्यूमन एरर इन्वॉल्व हो जाएगा। उसके बाद इजी एंड इफेक्टिव प्रोडक्शन प्लानिंग, इजी एंड इफेक्टिव प्रोडक्शन प्लानिंग अगर देखते हैं टूल स्टोरेज कॉस्ट देखते हैं, लोअर लोअर लेवल कॉस्ट देखते हैं, कॉस्ट ऑफ मॉडिफिकेशन देखते हैं, रिड्यूस फ्लोर स्पेस की बात करते हैं, लेसर ह्यूमन एरर की बात करते हैं, इजी एंड इफेक्टिव जो है हम प्रोडक्शन की बात करते हैं और प्लानिंग की बात करते हैं, इन सेक्शन को हम इस पर ध्यान देते हैं। द नेक्स्ट है रिडक्शन इन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, एंड लास्ट जो हमारा इसमें वो है रिडक्शन इन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, मिस्टेक को देखा जाता है,
पार्ट को हम उसके लिए छोड़ना नहीं रह सकते। जो सेकेंड प्रॉब्लम आती है वो आती है हमारी कॉन्स्टेप थर्ड आता है टेप रीडर। कंट्रोलर और फिर आता है नैनो नॉन ऑप्टिमल सी स्पीड्स एंड फीड्स। नॉन ऑप्टिमल स्पीड एंड फीड्स programming because paper tape is especially a fangle and its susceptibility to wear and tear अपने और नुकसान होने की probabilities में रहती है। टेप रीडर में क्या होता है कि the tape is generally acknowledged among NC users and to be the least reliable hardware component of the machine. The controller of conventional NC machine is hardware and controller again हमारा क्या होता है non optimal स्पीड आता है एंड फिर आता है बेसिकली ये हमारे प्रॉब्लम्स कहीं की क्रिएट होती है राइट। तो हमें इन प्रॉब्लम्स को इम्प्रूव करना रहता है। इसी वजह से आगे जब हम इसको पढ़ते हैं तो और भी प्रॉब्लम्स आती हैं, इसीलिए हम आगे जब पढ़ेंगे उसमें हमारा DNC आ जाएगा। DNC डायरेक्ट कंट्रोल क्या है कि दिस वॉज द फर्स्ट ऑफ दैट कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम यूज अराउंड दिस वॉज द फर्स्ट ऑफ द कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम introduced around 1968 The computer used in this system was quite large. ठीक है
सिंगल द सिंगल कंप्यूटर वाज कैपेबल टू कंट्रोल नंबर ऑफ मशीन एक्चुअली सिंगल कंप्यूटर जो है हमारे कई सारे मशीन्स को कंट्रोल करने की कैपेबिलिटी उसमें रखते हैं तो इसीलिए तो हर आज के टाइम में डिजिटलाइजेशन बहुत ज़्यादा हो चुका है डीएनसी में हम देखेंगे कि एक सिंगल कंप्यूटर के अंदर इतनी कैपेबिलिटी होती थी कि वो क्या करता था वो 10 कंप्यूटर 10 मशीन को क्या कंट्रोल कर सकता है कहने का मतलब क्या था द एडवांटेज ऑफ डीएनसी वाज दैट इट एस्टैब्लिश्ड अ डायरेक्ट कंट्रोल लिंक बिटवीन द कंप्यूटर एंड द मशीन बेसिकली जो हमारा डायरेक्ट कंप्यूटर कंट्रोल का मतलब ये है कि इसमें जो रिलेशन होता था वो रिलेशन बिटवीन डायरेक्ट कंप्यूटर कंट्रोल जो रिलेशन होता था वो किसमें होता था वो मशीन का जो हमारा रिलेशन बिटवीन डायरेक्ट रिलेशन रिलेशन का मतलब डायरेक्ट डायरेक्ट रिलेशन होता था इसकी कंप्यूटर और मशीन जो के बीच में डायरेक्ट रिलेशन होता है इसीलिए इसको बोलते हैं डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल ठीक है hence eliminating the necessity for using quantitative input the tape and the tape reader were turning out to be the least reliable component in the conventional ICs basically ab ye jo direct control control ye tha ki jo hamara computer tha jo 1968 mein introduce kiya gaya tha wo large aur expensive hua karta tha to jab hamara isme basically tha isme jo hamara relation tha wo direct jo computer ka relation tha isse sa machine ko direct relation tha सेकंड वन इज कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल जो आज के टाइम में बहुत ज्यादा यूज होता है कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल सी एंड सी के नाम से जानते हैं एंड सी एंड सी के नाम से जानते हैं कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल के नाम जानते हैं अब इसमें क्या होता है द फर्स्ट कमर्शियल The first commercial introduced computer numerical control in 1970. So, the first commercial computer introduced in 1970. 1970 में पहला हमारा computer numerical control कंप्यूटर इंट्रोड्यूस्ड हुआ ठीक है अब इसमें कुछ और इजीली प्रोग्रामेबल थ्रू द ओन सॉफ्टवेयर इसमें क्या फर्क पड़ता है इजीली इजीली प्रोग्रामेबल था इसलिए मैं इसका प्रोग्राम बना सकते थे इजीली प्रोग्रामेबल था इजीली प्रोग्रामेबल programmable their own software their own software अपने सामने इसलिए उसको लेकर प्रोग्राम्स का बना सकते हैं प्रोग्राम कर सकते हैं फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर इंट्रोड्यूस्ड 1970 और इसलिए इसका क्या करते थे प्रोग्राम बना सकते थे प्रोग्राम उसका बना सकते थे द कंप्यूटर वी यूज्ड स्मॉलर इन साइज एंड लेस एक्सपेंसिव इसलिए क्या कंप्यूटर जो हमारा सिस्टम यूज करते थे वो एक्सपेंसिव था और लार्ज भी क्वाइटली लार्ज हुआ करता था काफ़ी बड़ा सिस्टम हुआ करता था अब इसमें क्या था कि जो हमारा सिस्टम था वो उसके साइज का हो गया स्मॉल हो गया अब सिस्टम स्मॉल रहेगा तो स्पेस कम रहेगा ठीक है स्मॉल स्मॉल रहेगा तो सेफ
इसलिए कम रहेगा। तो हमारा जो सिस्टम था सी एन सी वाले केस में 1970 में यूज हुआ, उसमें जो सिस्टम का साइज हुआ करता था वो भी छोटा हो गया और एक्सपेंसिव जो था वो लेस एक्सपेंसिव हो गया। ठीक है, ऐसा नहीं कि चीप हो गया बिल्कुल, लेस एक्सपेंसिव हो गया, चीजें क्या होगी सस्ती होगी लेकिन थोड़ी महंगी जब ज्यादा होगा तब क्या होगा कम महंगी हो गई। राइट, ठीक है। अब इसमें क्या, वन स्टैंडर्ड कंप्यूटर कंट्रोल यूनिट वुड बी अडैप्टेड टू वेरियस टाइप्स ऑफ मशीन टूल्स एंड प्रोग्रामिंग टूल फंक्शन इनटू द कंप्यूटर मेमोरी। जैसे कि अब हम बोल रहे थे हम जो हमारा कंप्यूटर मेमोरी हुआ करता था उसमें हम क्या करते थे, उस कंप्यूटर मेमोरी में हम प्रोग्राम को स्टोर करते थे। अब प्रोग्राम को स्टोर कराने के बाद हम क्या करते हैं कि उसको रन कराते हैं। अब देखिए सिस्टम से ही जो हमारा सिस्टम है उस सिस्टम से कनेक्टेड है हमारा उस सारे मशीन पर। अब हमको जो भी प्रोग्राम जो भी मशीनिंग या जो भी चीज़ें ऑपरेट करानी थी हमने सिस्टम में उसको रन कराया। रन कराने के बाद हमें स्टार्ट, अब ऑटोमेटिकली सारी मशीन अपना रन करना शुरू हो जाएंगी, सब काम करना शुरू हो जाएगी। जब आप चाहेंगे स्टॉप कर देंगे, कोडिंग डी कोडिंग इसमें होती है, कोडिंग में यूज कर देते हैं। तो ये हमारा सी एन सी का। फिर इसमें माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो कंप्यूटर, जो माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो कंप्यूटर बेहद इंपॉर्टेंट यूज है हमारे जो कंप्यूटर सिस्टम में। ठीक है, तो ये चीज़ें बिल्कुल हमें पढ़ना है। आगे हम डिस्कस करेंगे कम्प्लीटली सी एन सी के बारे में डिस्कस करेंगे, सी एन सी होता क्या है, सी एन सी के क्या एडवांटेजेस हैं, सी एन सी के एडवांटेजेस क्या क्या हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है कि अब फंक्शन क्या हो सकता है सी एन सी के, क्या फंक्शन होते हैं, कि क्या प्रिंसिपल ऑफ फंक्शन सी एन सी मशीन रूल कंट्रोल होता है, कंट्रोल विद एम सी यू का जो बहुत महत्वपूर्ण योजना है योगदान है। देखिए पहले के टाइम में हमें काम करने में देखो दो चीज़ें, टेक्नोलॉजी आती है तो कहीं कहीं हमें बहुत फ़ायदा कर दी, बहुत फ़ायदा देती है और कहीं कहीं हमें एक तरफ नुकसान भी होता है। अब आज के टाइम में टेक्नोलॉजी इतना आगे बढ़ चुका है कि हम सारी चीज़ें ऑटोमेटिक कर रहे हैं, जब चीज़ें ऑटोमेटिक कर रहे हैं रोबोटिक्स रोबोट हमारे काम को बहुत आसान बनाएगा, हमारे काम को आसान रोबोट हमारे काम को आसान बनाएगा, तो कहीं कहीं ह्यूमन बींग की रिक्वायरमेंट कम होती जाएगी और जब ह्यूमन बींग की रिक्वायरमेंट कम होती जाएगी कहीं कहीं अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता चला जाएगा। तो एक तरफ अगर हमको बहुत सारा फायदा है अगर टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, एक तरफ फिर भी हमें नुकसान होता है, अनप्लान बढ़ेगा, क्यों, जहाँ पे हम अगर हम असेंबलिंग की बात करें, जब हमारे ऑटोमोबाइल्स के पार्ट बेसिक बेस रेडी होकर असेंबल करते हैं तो बहुत सारे ऑपरेटर की जरूरत पड़ती है पार्ट्स को अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स को सेटअप करने के लिए। बट नाउ अगेन वो ह्यूमन बीइंग को जो ऑपरेटर उसको रिप्लेस करते हैं रोबोट बीइंग, अब वो अगर रोबोट करना चाहते हैं तो रोबोट उस काम को कहीं भी हमारे ह्यूमन बीइंग का रिप्लेस हो जाएगा, जब ह्यूमन बीइंग जो आ जाएंगे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। तो कहीं कहीं टेक्नोलॉजी आने से फायदे जो है उनकी अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, तो हमें कहीं कहीं अप टू डेट होना चाहिए, अप टू डेट रहना चाहिए ताकि हमें अनएम्प्लॉयमेंट को फेस करना ना पड़े। तो ये हमारा टॉपिक था, आज का टॉपिक था वो सी एन सी। आगे हम सी एन सी के बारे में फिर से पढ़ेंगे कि सी एन सी का मेन फंक्शन क्या होता है, सी एन सी का मेन यूज क्या है। तो कहीं कहीं आज के टाइम में बहुत सबसे पहले क्या है, न्यूमेरिकल कंट्रोल टेक्निक्स है। न्यूमेरिकल कंट्रोल टेक्निक्स में क्या हुआ कि हम उसके थ्रू काम करते थे, उसके बाद हमारा डी एन सी आया। डी एन सी में क्या हुआ कि सिस्टम और जो हमारा मशीन रूल है उसका आपस में क्या डायरेक्ट कनेक्शन था, डायरेक्ट कनेक्शन इन द सेंस सिस्टम से डायरेक्ट कुछ प्रकार के बीच में प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर नहीं था। लेकिन उसके बाद हमारा कुछ टाइम बाद दो साल बाद 1968 में हमारा डी एन सी था, 1970 में हमारा डी सी एन सी आया कंप्यूटर कंट्रोल। इसमें क्या होता था कंप्यूटर कंट्रोल नहीं कर सकते सिस्टम का और जो हमारा सॉफ्टवेयर खुद की सॉफ्टवेयर में प्रोग्राम को इंस्टॉल करते हैं या फिर उसको रन कराते हैं, उससे मतलब हमारा काम और आसान होता है। और सबसे बड़ी बात क्या थी तो एक्यूरेसी, एक्यूरेसी की अगर हम बात करें तो एक्यूरेसी में भी बहुत ज़्यादा मिलती है, हाई एक्यूरेसी रिड्यूस सेटअप टाइम रिड्यूस हो जाता है, ऑपरेटर कम हो जाते हैं, एक सिस्टम से 10 मशीन 15 मशीन 20 मशीन एक ही ऑपरेटर हमको उसको रन करा सकता है चला सकता है, ये सारी चीज़ें फ़ायदा होता है। हाई प्रोडक्शन रेट बढ़ गया, प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा लगा, तो कहीं ना कहीं बहुत चीज़ों का फायदा भी है और नुकसान बहुत कम है लेकिन हाँ है। तो कहने का मतलब ये कि हमको टेक्नोलॉजी जो चीज़ें अपडेट होती जाएंगी हमको अपडेट रहना है। तो ये हमारा सी एन सी मेजर पार्ट इसका यही है कि प्रोडक्शन रेट बढ़ जाता है, हाई रेट प्रोडक्शन होता है और कहीं कहीं जो है एक्यूरेट और रेट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है, जो कि हमारे हमारे जो इंडस्ट्री हमारे किसी कंपनी के लिए बहुत ही यूजफुल है। नाउ सी एन सी कई हम बहुत सारे फील्ड में करते हैं, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में मेडिकल फील्ड में करने लगे, लेकिन बहुत जगहों पर हम इसका यूज करने लगे। तो कहीं कहीं सी एन सी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आगे जो हम लेक्चर्स पढ़ेंगे उसमें हम सी एन सी के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए यही भी एंड करते हैं।